एशिया कप 2023 में शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अपने आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ईशान से पाक के खिलाफ बड़े मैच में उनकी पोजीशन से हटकर मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए कहा। सबको लग रहा था कि वह फ्लॉप हो जाएंगे, लेकिन झारखंड का ये खिलाड़ी तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। जिस पिच पर दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत स्टार शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फ्लॉप हो गए, उस मुश्किल विकेट पर ईशान किशन ने 82 रन की टीम इंडिया के लिए अहम पारी खेली। वह जब बल्लेबाजी करने मैदान पर आए थे तो टीम काफ़ी परेशानी में थी। भारत के 50 रन के अंदर ही 3 विकेट गिर गए थे। इसके बाद किशन ने बड़ी समझदारी के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने बाउंड्री लगाने के साथ साथ स्ट्राइक भी रोटेट की, जिससे दूसरे खिलाड़ी पर भी प्रेशर न बने और स्कोर बोर्ड चलता रहे। ऐसे में उन्होंने टीम पर से प्रेशर कम किया। किशन ने 101.23 के स्ट्राइक रेट से 81 गेंदों में 2 छक्के और 9 चौकों की मदद से 82 रन बनाए। वह अपने शतक से चूक गए, लेकिन जो उन्होंने पारी खेली वह किसी शतक से कम नहीं थी। आपको बता दें कि ईशान किशन को टीम में फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल नहीं किया गया था। केएल राहुल मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने समेत विकेटकीपिंग के पहली पसंद थे, लेकिन वह इंजर्ड हो गए और एशिया कप के शुरुआती 2 मैचों के लिए बाहर हो गए। उनकी जगह ईशान को मौका दिया गया। ऐसे में अब ईशान के साथ 9 साफी होने की संभावना भी है। कभी केएल राहुल के ठीक होते ही उनको प्लेइंग 11 से बाहर ना कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ईशान के साथ पहले भी यही हुआ था। किशन ने 2022 दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज के 3रे मैच में दोहरा शतक लगाया था। उन्हें चोटिल रोहित शर्मा की जगह मौका मिला था। इसके बाद अगली वनडे सीरीज श्रीलंका के साथ थी। इस सीरीज के पहले ही मैच में ईशान किशन को ड्रॉप कर दिया गया था। शुभमन गिल को उनकी जगह प्राथमिकता दी गई थी, तो ऐसा संभव है कि केएल राहुल के फिट होने के बाद ईशान किशन को टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। 2016 में भारतीय बल्लेबाज करुण नायर ने इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 3रा शतक ठोका था। वह ऐसा करने वाले दिग्गज वीरेंद्र सहवाग के बाद सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज थे। आपको यकीन नहीं होगा कि 300 बनाने के बाद उन्हें अगले ही मैच में ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद नायक को कुछ मौके मिले, फिर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्पोर्ट्स और खेल की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए NBT स्पोर्ट्स के साथ।